हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत राठे आपका इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपना यूनिट नंबर वन FMM सब्जेक्ट, इसका यूनिट नंबर वन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट इस पे एक 4 मार्क्स के लिए न्यूमरिकल मैक्सिमम टाइम आता है एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट करते अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का लर्निंग आउटकम है दोस्तों, डिफाइन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर और सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ये दो टॉपिक अपने को आज पढ़ना है, ठीक है। प्रोग्राम आउटकम है, PO1 सेटिस्फाई होगा, PO6 और PO7 आज के टॉपिक से सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, ये जो कंसेप्ट है, ये जो डैम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर जो पावर प्लांट जो रहते हैं जिसमें डैम का यूज होता है, या सिंपली हम जो पानी के डैम होते हैं, वहां पे ये कंसेप्ट यूज किया जाता है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का। जब उसके डिजाइन, उस डैम के जो दीवार बनाई जाती है उसका डिजाइन किया जाता है, या उसके जो गेट बनाए जाते हैं उसका डिजाइन किया जाता है, उस वक्त इन टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का यूज आता है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टोटल प्रेशर क्या होता है। तो टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस आइदर प्लेन और कर्व व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस। तो सिंपली इसका इतना ही डिफिनेशन का मीनिंग है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, जो स्टैटिक फ्लूइड में अगर आप कोई सरफेस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है, अब फोर्स किस वजह से एग्जर्ट होगा, तो वो जो फ्लूड है उसके प्रेशर की वजह से। उस प्रेशर को कहा जाता है टोटल प्रेशर। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये फोर्स हमेशा कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब हमको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो ये हमें हमेशा उस, अगर जो सरफेस है वो हो सकता है कि वो वर्टिकल रखे, हॉरिजॉन्टल रखे, इंक्लाइन रखे का, है ना। तो लेकिन हमें हमेशा निकालना कैसा, ये फोर्स कैसे निकलेगी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, सरफेस से 90 डिग्री, मतलब जो भी इमर्स सरफेस रहेगा उससे 90 डिग्री में, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी, प्रेशर को डिनोट, टोटल प्रेशर को डिनोटेड किया जाता है पी से। इट्स यूनिट इज न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। जैसा फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो नीचे सरफेस है, ठीक है, ये एक लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड फिलअप किया गया है, और ये एक प्लेट है, इमर्स सरफेस। इस सरफेस पे अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो इस सरफेस का टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। अब ये डब्ल्यू क्या होता है, और P इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, रो जी ए एक्स बार। तो आप सब लोगों ने देखा है, डब्ल्यू मतलब होता है स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट का ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी। अब रो इंटू जी का क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लिक्विड हमेशा अलग अलग रहेंगे, हो सकता है कभी मर्क्यूरी रहे, हो सकता है कभी वाटर रहे, हो सकता है कभी कोई ऑयल रहे, है ना। तो और आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि हर लिक्विड का वजन अलग अलग होता है, जो कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड होता है। जैसा अगर वाटर है तो उसकी स्पेसिफिक, उसका वजन कितना रहेगा, जितना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सो 1 into rho स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है वाटर का, वो डेंसिटी होता है 98,000, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जी को, है ना। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट मतलब क्या, हर एक लिक्विड का अपना अपना स्पेसिफिक वेट होता है ना। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो हो जाएगा रो इंटू जी, मतलब 1000 into g 9.81, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वाटर का 1, इसलिए 1 into 9.81 into 1000, ये हो जाएगा 9810। लेकिन यही अगर हम लोग मर्क्यूरी की बात करते तो उसका उसका भी 1000 into 9.81 ये रहेगा रो जी, बट सामने स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे वो रहेगा 13.6, तो वो हो जाता है 36400 समथिंग, ठीक है ना। ऐसा कोई भी लिक्विड जब रहेगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होगा, उसका स्पेसिफिक वेट अलग अलग होगा। इसलिए जब भी हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे तो
तो उसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, WW, मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद ए, ए क्या है, ये जो कोई जो भी प्लेट रहेंगे, ये अभी जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर दी गई है, हो सकता है कहीं पे सर्कुलर हो सकता है कहीं पे ट्रायंगुलर हो, तो उस हिसाब से उस प्लेट का एरिया, जैसा अभी ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया क्या रहेगा, बेस इनटू हाइट, है ना। अगर यही अगर कोई सर्कल रहता तो ये सर्कल का कितना एरिया रहता था, पाई बाय 4 d²। यही अगर कोई ट्रायंगल रहता तो क्या एरिया रहता था, हाफ बी इंटू एच, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। और तीसरी टर्म है एक्स बार, एक्स बार मतलब क्या होता है, जो लिक्विड में सरफेस डूबा हुआ है उसका सेंटर, ये याद रखिए, उसका सेंटर का डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस से, जैसे यहाँ पे दिया है ना एक्स बार। तो ये फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का निकालने का, क्या फॉर्मूला है इसका, P इज इक्वल टू W A एक्स बार, और P इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, W मतलब ही रो जी मतलब स्पेसिफिक वेट, ठीक है। ये एक टर्म हो गई टोटल प्रेशर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को टोटल प्रेशर समझ में आया होगा। दूसरा है सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय एच बार, ये क्या होता है एच बार, और इस यूनिट इज मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर। अब देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट सरफेस, मतलब अगर मुझे इसी सरफेस का टोटल प्रेशर, सॉरी सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ टोटल प्रेशर, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखिए क्या होगा, ये प्लेट है, इस प्लेट के साथ में जितना भी लिक्विड कॉन्टेक्ट में है ये टॉप तक, इस सब का वजन किसके ऊपर आ रहा है, इस प्लेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में वही दिया है कि ये लिक्विड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक वेट, ए मतलब एरिया, और एक्स बार मतलब यहाँ से टॉप तक का डिस्टेंस, मतलब ये प्लेट के एरिया में जितना भी लिक्विड कॉन्टेक्ट में आता है कहाँ से, टॉप सरफेस से, तो उसका जो वजन इस प्लेट पे पड़ता है उसको कहा जाता है टोटल प्रेशर। अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब ये पूरा जो वजन है ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता होगा, जैसे आप लोगों ने सॉम में पढ़ा था सेंट्रोइड वगैरह, याद है आपको, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि एक किसी भी सरफेस का जो वजन केंद्रित होता है वो किसी एक पॉइंट पे होता है, बराबर है ना। अब देखिए ये प्लेट है, इसका वजन कहाँ पे, अपना सॉम में जो आप लोगों ने सेंट्रोइड पढ़ा उसके हिसाब से बात करते हैं, ये जो प्लेट है इसका वजन कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सेंटर में एक्ट होगा, बराबर है, ये जो जी जी दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इस प्लेट का खुद का वजन। बट अगर इसके ऊपर ये जो लिक्विड है इसका भी वजन एक्ट होगा, तो मुझे बताइए ये वजन बढ़ गया इसके ऊपर, अब ये जो सेंट्रोइड है वो उसी सेंटर पे रहेगा या वहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर है वहां से ये शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा जी से नीचे जाएगा। अब ये जो प्लेट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इसलिए यहाँ पे एक्स बार और एच बार ये दोनों भी एक ही जगह पे आ गए, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, क्यों, क्योंकि ये प्लेट हॉरिजेंटल है, तो आपका एच और एक्स बार इसी एक ही जगह पे जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग इसको आगे वाले इसमें एलेबोरेट करते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट सरफेस, मतलब ऐसे ही एक जगह जिसके ऊपर ये प्लेट का वजन भी एक्ट होगा और उसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वजन भी एक्ट होगा, तो उस वजह से एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जाएगा जहां पे पूरा का पूरा प्रेशर एक्ट होगा, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसको डिनोट किया जाता है एच बार से, और उसको गिना जाता है उस पॉइंट से लेके तो फ्री सरफेस तक, उसको कहां से गिनते हैं, उस पॉइंट से लेके फ्री सरफेस तक, ठीक है, आगे बढ़ते फिर। टोटल प्रेशर, अपना सेंटर ऑफ प्रेशर या टोटल प्रेशर पढ़ने के पहले हमको ये कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो ही आपको जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं इसके, लेकिन ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सर्कल की बात कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम सर्कल का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बार आता है। अभी सर्कल है जिसका डायमीटर डी है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर में, तो ये कितना रहेगा d/2, इसलिए सी जी फ्रॉम द बेस, तो ये सेंट्रोइड कितना रहेगा d/2, ठीक है। उसके बाद इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं हम सेंट्रोइड का, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, π/64 d/4, ये सब आप लोगों ने सॉम में पढ़ लिए है ना। और उसके बाद एरिया, एरिया क्या है इसका, π/π d² / 4, मतलब π/2, मतलब
पाई बाय 4 d² है ना, ये हो गया इसका एरिया। उसके बाद देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये जो डिस्टेंस है इसको बेस कहा जाता है बी, और ये जो टॉप वहाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हाइट कहा जाता है, और सेंट्रोइड कहाँ पे कट है सेंटर में है ना, तो ये कितना हो जाएगा सेंट्रोइड इसका एक्स इज इक्वल टू एच बाय टू, और इसका ये कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यूब बाय 12, यहाँ पे बी एच क्यूब बाय बी एच हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है बी एच क्यूब बाय 12, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे ठीक है। उसके बाद इसका देखिए ये बी एच क्यूब है तो यहाँ सभी में देखो पाई बाय 64 d^4 है, यहाँ पे बी एच क्यूब है तो इसका यूनिट क्या रहेगा mm^4, क्यों क्योंकि देखिए d^4 है तो 1 d का यूनिट हो जाएगा मीटर, तो 4 d के यूनिट कितना हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब m^4। यहाँ पे भी देखिए बी एच क्यूब बाय बी एच क्यूब बाय 12 है ना फॉर्मूला इसका, तो बी का यूनिट मीटर, एच क्यूब का यूनिट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसका भी कितना हो जाएगा m^4 ठीक है। उसके बाद इसका एरिया देखिए बी इंटू डी, एरिया कैसे निकालते हैं इसको बी इंटू डी से। उसके बाद देखिए ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये ट्राइंगल में इसे यहाँ से यहाँ तक हाइट और यहाँ से यहाँ तक बेस, तो इसका एक्स कैसे निकलता है, इसका एक्स निकालने का फॉर्मूला है h/3 ठीक है ना, ये सब आपका सॉम में हो चुका है इसलिए मैं इसमें ज्यादा हम लोग ये नहीं जाएंगे डीप में। उसके बाद आई एक्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है बी एच क्यूब बाय 36 ठीक है ना, कैसे निकालते इसको बी एच क्यूब बाय 36। हाँ इसमें ये टर्म इम्पोर्टेंट है कि ट्राइंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहाँ से लेते हो, मतलब आप सेंटर पे ले रहे होगे तो बी एच क्यूब बाय 36 आएगा, अगर आप बेस से लेते हैं बेस से तो बी एच क्यूब बाय 12 आएगा हा? और अगर आप अपेक्स से लेते हैं, ये जो टॉप सरफेस है उसको कहा जाता है अपेक्स, तो यहाँ से आता है बी एच क्यूब बाय 4, ये तीन फॉर्मूले आते हैं, तो बेसिकली हमें बी एच क्यूब बाय 36 या बी एच क्यूब बाय 12 ये दोनों ही का ही फॉर्मूला काम होता है ठीक है। और इसका एरिया कितना रहेगा हाफ बेस इंटू हाइट है ना, सो ये ध्यान में रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया और ये जो सेंट्रोइड, ये जो तीन टर्म्स है ये हमें न्यूमेरिकल्स में आगे काम में आएगी। आगे बढ़ते हैं फिर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल सरफेस की, कौन सा सरफेस हॉरिजेंटल सरफेस, मतलब देखिए ये एक पानी का सरफेस है, इसके अंदर हम लोगों ने एक प्लेट को इंसर्ट किया है, क्या किया है हम लोगों ने एक प्लेट को इंसर्ट किया है और प्लेट कैसी है हॉरिजेंटल है। अब मुझे इस प्लेट के ऊपर टोटल प्रेशर निकालना है और इस प्लेट के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो देखिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू मतलब जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक वेट, ए मतलब एरिया ऑफ प्लेट, और एक्स बार मतलब फ्री सरफेस से लेके प्लेट का सेंटर तक का डिस्टेंस ठीक है। अब देखिए अगर मैं फ्री सरफेस से प्लेट के सेंटर तक का डिस्टेंस देखता हूँ तो वो एक्स बार है, और ये प्लेट हॉरिजॉन्टल होने की वजह से एक्स बार आप किसी भी लाइन पे लोगे तो एक्स बार की वैल्यू सेम रहेगी ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना ऑफ रिजल्टेंट लोड, तो इसका फॉर्मूला इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन एच बार से, और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे एच बार इज इक्वल टू एक्स बार, क्योंकि ये प्लेट है हॉरिजॉन्टल इस वजह से एच बार और एक्स बार दोनों भी क्या हो गए एक ही जगह पे एक्ट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, हॉरिजॉन्टल इमर्स सरफेस अगर आता है तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है डब्ल्यू ए एक्स बार ठीक है, जिसमें डब्ल्यू ए स्पेसिफिक वेट, ए है एरिया ऑफ प्लेट, और एक्स बार है फ्री सरफेस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है एच बार इज इक्वल टू एक्स बार। और ये बहुत ये आता ही नहीं है, ये बहुत ही निग्लिजिबल है, इसमें जो दो अलग और सर्फेसेस है उसके फॉर्मूले ज्यादातर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, हाँ ये दूसरा सरफेस कौन सा है वर्टिकली इमर्स सरफेस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए इसमें तो टोटल प्रेशर ऑफ वर्टिकल इमर्स सरफेस उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। अब देखिए ये जो सरफेस है ये वर्टिकल सरफेस है जो कि हम लोगों ने लिक्विड में इसको इमर्स करके लगाया। अब इसमें देखिए एक्स बार और एच बार आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक्स बार हमेशा कहाँ पे एक्ट होता है सरफेस के सेंटर में, कहाँ पे एक्ट होता है सरफेस के सेंटर में, और एच बार मैंने बोला था उससे नीचे। अब देखो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक्स बार क्या है जो इस लिक्विड का ऊपर जो सॉरी इस प्लेट के ऊपर जो लिक्विड है इसका वजन कहाँ पे एक्ट हो रहा है प्लेट के ऊपर, तो वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों प्लेट के सेंटर पे है ना, लेकिन जब प्लेट का सेंटर सेंटर ऑफ डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, मतलब हम टोटल प्रेशर का जो पॉइंट निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा ये प्लेट का खुद का वजन
वो भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये जी वाले पॉइंट पे मतलब सेंटर पे, और आने वाले लिक्विड का वजन भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसी प्लेट के पॉइंट जी पे सेंटर पे, बराबर है। मतलब क्या होगा कि ये दोनों वेट जब उसमें ऐड होंगे तो इस प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये खिसक के नीचे आ जाएगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जी वाला पॉइंट जो सेंटर में है उससे नीचे जाएगा, वो जी वाला जो पॉइंट है सेंटर में उससे नीचे जाएगा, लेकिन जो बॉटम है उससे ऊपर रहेगा। मतलब ये हमेशा याद रखना कि एच बार की जो वैल्यू रहेगी वो एक्स बार से ज्यादा रहेगी और फ्री सरफेस से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है इससे कम रहेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक्स बार की वैल्यू यहाँ तक 3 है समझो फॉर एग्जाम्पल, और ये जो एंड सरफेस है ये बॉटम सरफेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है ना, तो ये जी कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर पे, और ये बॉटम सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे। इसका मतलब क्या होगा, आपका एच बार जो है वो हमेशा 3 से ज्यादा आएगा और 5 से कम आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, तो इसमें आपको कैसे इसको हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है ये कैसे समझ पाएंगे, आपको आपको ये देखना है कि हमारा एच बार की जो वैल्यू है वो एक्स बार से ज्यादा होना चाहिए लेकिन बॉटम डिस्टेंस से कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? सो ये दो चीजें याद रखना। सो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, और हाँ अभी यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का। जैसे अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल में देखा था एच बार इज इक्वल टू एक्स बार हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी एच बार का फॉर्मूला अलग है। तो एच बार का फॉर्मूला क्या है, आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ये फॉर्मूला काय के लिए रहेगा दोस्तों, वर्टिकल सरफेस का एच बार निकालने के लिए। अब उसमें आई जी क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लोगों ने सर्कल की बात की थी पाई बाय फोर सिक्स डी पावर सिक्सटी पाई बाय 64 डी पावर 4, अगर हम लोगों ने सरफेस की रेक्टेंगल की बात की थी बी एच क्यूब बाय 12 है ना, तो वो हो गया आई जी। ए मतलब एरिया ऑफ प्लेट, एक्स बार मतलब सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, ठीक है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको एच बार। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया है, देखो फिगर 3.7 शो सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.2 मीटर, मतलब एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर है 1.2 मीटर, प्लेस्ड वर्टिकली इन अ वाटर इन सच अ वे दैट सेंटर ऑफ प्लेट इज 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है, ये ध्यान में रखिए, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 1.2 मीटर है और उसको वर्टिकली प्लेस वर्टिकली इन अ वाटर, मतलब एक पानी लिक्विड सरफेस में, लिक्विड कौन सा है सरफेस में, वाटर, और उसमें इस तरीके से रखा है कि इसका जो सेंटर है ये वाला जी जो है वो फ्री सरफेस से कितना रहेगा, 2.5 मीटर। ठीक है, अब फ्री सरफेस से जो सेंटर रहता है उसका डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, ये एच बार सॉरी एक्स बार, और ये एच बार हमेशा इससे नीचे जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट एंड पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है और पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में डायमीटर ऑफ प्लेट दिया है 1.2 मीटर है ना। अब देखिए यूजिंग द रिलेशन, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। तो यूजिंग द रिलेशन डब्ल्यू ए एक्स बार, अब देखिए डब्ल्यू ए एक्स बार है ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे डब्ल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स ए चाहिए और एक्स बार चाहिए। तो एज पर डायग्राम हमारा एक्स बार कितना होगा, तो ये डायग्राम हमको डायरेक्ट बता देगी, क्यों, क्योंकि एक्स बार होता है प्लेट का सेंटर फ्री सरफेस से, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट प्लेट का सेंटर फ्री सरफेस से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज पर डायग्राम एक्स बार इज इक्वल टू 2.5 मीटर। फिर क्या बचा, ए, तो ए ये रहेगा पाई बाय 4d2, तो डी का आंसर, डी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से पाई बाय 4d2 से हमारा एरिया निकल जाएगा, मतलब हमारे पास अभी ए और एक्स बार हो गया। अब क्या बचा, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, तो डब्ल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या क्या रहता है, रो इंटू जी, तो रो कितना रहेगा, 1000, जी रहेगा 9.81, लेकिन वो उसका होता क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रो इंटू जी मतलब 9810 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 98, यार थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, एक सेकंड ना, 9810 न्यूटन पर
मीटर स्क्वेयर, ये है स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये देखिए काय में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर हम इसको किलो न्यूटन में लेते तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आपको। यहाँ पे फिर हम लोग टोटल प्रेशर निकाल रहे, तो टोटल प्रेशर का क्या है, डब्ल्यू ए एक्स बार। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है इसने, 9.81 मतलब इसने लिया किलो न्यूटन में, ठीक है। आप न्यूटन में भी ले सकते हैं या किलो न्यूटन में भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको लिखने के समय उसको आंसर उस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर ए है, तो ए हम लोगों ने निकाला है 1.13 मीटर स्क्वायर। फिर क्या है, एक्स बार है, तो एक्स बार हम लोगों ने निकाला है 27.7 किलो न्यूटन, ठीक है, सॉरी 2.5। सो इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 27.7 किलो न्यूटन। इस तरीके से हमारा टोटल प्रेशर निकल गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, एच बार इज इक्वल टू आई जी ए एक्स बार डिवाइड बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो एक्स बार हमारे पास में है, ए भी हम लोगों ने निकाला है, अब बचा क्या है आई जी। तो आई जी काहे के लिए निकालना पड़ेगा हमको, सर्कुलर प्लेट के लिए। तो सर्कुलर प्लेट के लिए आई जी क्या होता है, पाई बाय 64 डी पावर 4। तो पाई बाय 64 इंटू 1.2 का पावर 4, तो इसका आंसर आएगा 0.1018 मीटर पावर 4। सो एच बार में ये सब वैल्यू पुट अप करेंगे तो एच बार की वैल्यू आ जाएंगे हमारी 2.536। अब देखिए मैंने आपको क्यों बोला था, ये आप लोग यहीं पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेंटर कितना है 2.5, और इसका डायमीटर कितना है 0.6, मतलब बॉटम कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.6 मतलब हो जाएगा 3.1। तो हमारा एच बार क्या होना चाहिए, 2.5 से ज्यादा और 3.1 से कम। तो हमारा आंसर कितना आया, 2.536। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर ये एक और प्रॉब्लम है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड इज इमर्ज वर्टिकली इन वाटर सच वे दैट इट्स 3 मीटर साइड इज पैरेलल टू द वाटर सरफेस एंड 1 मीटर एंड इज 1 मीटर बिलो। अब देखिए फाइंड टोटल प्रेशर ऑन प्लेट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमको सबसे पहले समझना है कि प्लेट को पानी में रखा कैसे गया है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट, मतलब प्लेट कैसी है, रेक्टेंगुलर टाइप की, 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, मतलब इसमें इसका एक डायमेंशन 3 मीटर का है और एक डायमेंशन 1 मीटर का है ना। इज इमर्ज वर्टिकली, और इसको कैसा है? पानी में डाला गया है वर्टिकली इन सच ए वे दैट 3 मीटर साइड इज पैरेलल टू द वाटर सरफेस, मतलब इसको पानी में इस तरीके से रखा गया है कि इसकी 3 मीटर वाली जो साइड है, ये जो फ्री सरफेस है इसको वाटर सरफेस को पैरेलल है, एंड 1 मीटर एंड इज 1 मीटर बिलो इट, है ना। मतलब क्या बोल रहा है ये कि ये पानी में कितना अंदर है फ्री सरफेस से, 1 मीटर। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले बना दिया यहाँ पे फ्री सरफेस, एक लाइन बनाई उसमें वाटर का दिखा। अब हमारी प्लेट है रेक्टेंगुलर जिसका डायमेंशन है 3 मीटर, लेंथ है इसका और विड्थ है 1 मीटर, ठीक है। अब इसको रखा कैसा गया, बोल रहा है कि 3 मीटर साइड जो है फ्री सरफेस से पैरेलल, तो ये फ्री सरफेस हो गया, ये 3 मीटर वाली साइड होगी, ये दोनों हो गए पैरेलल। और एक और चीज बोला उसने कि इसको इस तरीके से रखा है कि ये जो 3 मीटर वाली साइड है ये 1 मीटर, हाँ ये याद रखना, 3 मीटर वाली साइड जो है ये फ्री सरफेस से कितना नीचे है, 1 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस देंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। अब इसका जो जी है ये आएगा सेंटर में, और सी है मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो आएगा उससे भी नीचे। तो याद रख, डायग्राम समझ में आ गया दोस्तों। हाँ अब इसका एक्स बार जो है वो एक्स बार कहाँ पे आता है, सेंटर में। अब देखिए अब इधर पे ध्यान ना देते हुए आप यहाँ से इसका एक्स बार बता सकते हैं कितना है, तो कि देखो यहाँ से यहाँ तक फ्री सर्फेस से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये ब्लेड का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो इसका जी कहाँ पे आता है, सेंटर में। तो ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर। समझ में आया दोस्तों, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए विड्थ ऑफ द प्लेट दिया हुआ है 3 मीटर, डेप्थ ऑफ द प्लेट दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, अब एरिया निकालने के लिए बी इंटू डी, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। फिर एक्स बार 1 प्लस हाफ, हाफ मतलब क्या, इसको 1/2 किया इसने, तो 1.5 मीटर हो गया। सो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारा, डब्ल्यू ए एक्स बार, सो डब्ल्यू लिया 9.81 इंटू 3 × x बार 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 44.14 किलो न्यूटन टोटल प्रेशर। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं यूजिंग द रिलेशन एच बार इज इक्वल टू आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार। अब यहाँ पे ए तो आप लोगों ने निकाल चुके हैं, एक्स बार भी आप लोगों ने निकाल चुके हैं, बचा क्या आई जी। अब आई जी कौन से सर्फेस के लिए है, रेक्टेंगुलर सर्फेस के लिए, तो क्या होता है बी डी क्यूब बाय 12, तो आई जी इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12, तो 1 × 3 × 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये 0.25 मीटर का पावर 4।
इसको वैल्यू को एच बार के फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो हमारा एच बार आ गया 1.556 मीटर। अब देखिए एक्स बार कितना है 1.5 और बेस कितना है तो 1.5 प्लस 0.5 मतलब 2, तो हमारा एक्स बार कितना होना चाहिए 1.5 से ज्यादा और 2 से कम, तो हमारा आंसर कितना है 1.556, मतलब इसका मतलब क्या हो गया हमारा आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े, समझ में आया दोस्तों, होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइंड सरफेस, तो ये जो डायग्राम है ये इंक्लाइन सेम फॉर्मूला है, इसमें भी हमको टोटल प्रेशर और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, लेकिन यहाँ पे भी सब प्लेट कैसा रखा हुआ है इंक्लाइन ये याद रखना। सो तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला वही रहेगा डब्ल्यू ए एक्स बार, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, एक्स बार सेम प्लेट का सेंटर कहाँ से फ्री सरफेस से एच बार उससे भी नीचे जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज क्या रखा हुआ है प्लेट को इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, तो एच बार इज इक्वल टू आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे अभी एक टर्म ऐड हो जाएगी आई जी साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब आई जी के साथ साइन स्क्वेयर थीटा ये ऐड हो जाएगा, और थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको कहा जाएंगे हम लोग थीटा, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। अब इसका न्यूमरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए एन इंक्लाइन रेक्टेंगुलर स्लाइस, कैसा सरफेस कैसा है, सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर स्लाइस गेट ए बी 1.2 मीटर बाय 5 मीटर साइज, मतलब कितना साइज है इसका, इसका एक साइज है 5 मीटर दूसरा साइज है 1.2 मीटर एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर भी दिया हुआ है 3.26, ये नहीं फिगर का नंबर है 3.26, इज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब वो बोल रहा है कि इसको ऐसा वाटर का जो बाहर निकालना उसको कंट्रोल करने के लिए रखा है। एंड ए इज हिंज, मतलब ए पार्ट को क्या हिंज मतलब पकड़ के रखा हुआ है ना एंगल में, डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल टू द गेट अप्लाइड एट बी टू ओपन इट, तो हमें फोर्स टोटल फोर प्रेशर निकालना है और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल टू द गेट मतलब टोटल प्रेशर एंड अप्लाइड एट बी टू ओपन इट, और दूसरा फोर्स को निकालना पड़ेगा हमको एच बार। सो देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में देखिए इसका एक साइड दिया है 1.2 मीटर, दूसरा साइड दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। अब सो ये एक्स बार आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा, 5 माइनस बी जी साइन 45, सो 5 माइनस बी जी कितना होगा 0.6 बी जी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.6, और साइन 45 का वैल्यू होता है 0.0707, तो ये आंसर आता है 4.576। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, ये हाइपोटेनियस है ना और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सो इन दोनों के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 45 के अपोजिट में क्या है 5, और हाइपोटेनियस हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको लेट भी हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनियस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो साइन 45 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, तो इसका आंसर आएगा एक से इसका आंसर 7.07 मीटर, कितना आंसर आता है इसका 7.07 मीटर। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 7.07 मीटर, अब उसमें से देखिए हमारा एक्स बार कहाँ पे एक्ट करता है प्लेट के सेंटर में, सो यहाँ से यहाँ तक होगा एक्स बार, सो ये टोटल डिस्टेंस हमें मिला 7.07, और उसमें ये जो प्लेट है इसका डायमीटर है इसका लेंथ है 1.2 मीटर, तो इसका सेंटर कितना होगा 0.6 मीटर, तो 7.07 में से ये 0.6 मीटर हटा दो, ठीक है, तो बचता कितना है 0.6 मीटर अगर हटा देते हैं हम लोग तो बचता है यहाँ पे 6.47, मतलब हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6.47 मीटर। अब देखिए फॉर्मूला फिर से राइट एंगल ट्राइंगल साइन 45 इज इक्वल टू एक्स बार डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लेकिन इस बार हमारे पास हाइपोटेनस है 6.47 मीटर, सो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 6.47 इंटू साइन 45 दैट इज 4.576 मीटर। तो ये करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज मुझे हमारा जब भी वो इंटरेक्शन वाला क्लास रहेगा उसमें मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने क्या किया
यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें पहले 5y वाला डायमेंशन लिया, फिर उसमें से ये इतना डायमेंशन माइनस करके फिर x बार वाला डायमेंशन लिया, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद देखिए द टोटल प्रेशर डब्ल्यू ए एक्स बार, सो 9.81 इंटू ए जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है 1.2 इंटू 5 करते 6 मीटर, और एक्स बार आ गया 4.576 मीटर, सो इसका आंसर आएगा 2269.3 किलो न्यूटन। उसके बाद एच बार, अब एच बार में देखिए आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स बार प्लस एक्स बार, तो इसमें सिर्फ एडिशनल एक वर्ड आता है साइन स्क्वायर थीटा। सो आई जी देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो आई जी रहेगा बी डी क्यूब बाय 12, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, सो एच बार इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 का आंसर 0.72 मीटर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय एरिया है 6 इंटू 4.576 प्लस एक्स बार 4.576, सो हमारा आंसर आएगा 4.589 मीटर। अब देखिए ये भी आंसर हम लोग यही से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा बॉटम डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और सेंटर कितना है 4.576, तो हमारा आंसर कितना है 4.589, मतलब क्या हो गया एक्स बार से ज्यादा है और बॉटम से कम है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबीटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं एज अ असाइनमेंट। वो हमारा जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उन सबको एज अ प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका टेस्ट वन रहेगा, और उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर टू स्टार्ट करेंगे इमिडिएटली नेक्स्ट डे से। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा सब टॉपिक्स, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम लोग अपना टॉपिक को रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।